वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है वो उन सभी के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम है कि चेहरे पर चमक नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, फेशियल, ब्लीच या कोई भी स्किन केयर कर रहे हो, आपके एक या दो दिन, तीन दिन, चार दिन स्किन पर ग्लो रहता है, उसके बाद फिर से डल स्किन हो जाती है। अब आप ऐसा क्या करो डेली बेसिस पर कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगाना पड़े और आपकी स्किन पर चमक भी रहे? तो आपको एक टिप बताने वाली हूँ मैं। कुछ भी एक्स्ट्रा रेमेडी आज आपको नहीं बताऊंगी, बस एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिसको मैं खुद यूज करती हूँ एंड स्किन हमेशा ही ग्लो करती है इसको यूज करने के बाद। आपको मेकअप नहीं करना, आपको कोई फेस पैक या ब्लीच फेशियल कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी एक टिप यूज करनी है, ट्रिक यूज करनी है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जी मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है अपना मॉइस्चराइजर, जो भी आप फेस के लिए यूज करते हो। आपकी स्किन कैसी भी है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव कैसी भी है, ये ट्रिक हर किसी के लिए वर्क करती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप लोग ये सोचते हो कि गर्मियां हो गई है तो हम तो मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे, तो आपको करना है कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है अपनी स्किन को। अगर आप मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम यूज नहीं करते हो तो एलोवेरा जेल यूज कीजिए, बट स्किन को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना, से स्किन ज्यादा डैमेज होती है, ठीक है? तो मेरी स्किन ड्राई है और मैं यूज करती हूँ पॉन्ड्स की ये कोल्ड क्रीम। सर्दियों में, गर्मियों में हर तरह से एक ही सेम तरीका होता है मेरा इसको यूज करने का और मैं बहुत टाइम से इसी को यूज कर रही हूँ। किस तरह से मैं इसे यूज करती हूँ कि मेरी स्किन पर कभी डलनेस नहीं आती, हमेशा शाइनी रहती है। आप मेरे हाथ देख रहे हैं जैसे शाइनी है, वैसे ही मेरे फेस स्किन भी शाइनी है। तो मैं क्या ट्रिक यूज करती हूँ इसके लिए, कोल्ड क्रीम ले लिया, उसके बाद सेकेंड चीज मैं लेती हूँ ये ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी स्किन पर। ग्लिसरीन का इस्तेमाल आप नॉर्मल, ड्राई, ऑयली हर तरह की स्किन पर कर सकते हो। इससे स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, शाइनी हो जाती है, साथ ही आपकी रंगत भी निखरती है। स्किन प्रॉब्लम्स का खतरा भी इससे आपको कम रहता है। स्किन को मॉइस्चराइज और टोन करने के साथ साथ आपकी स्किन को यंग, जवान बना देती है, रिंकल फ्री बना देती है और स्किन पर हमेशा एक निखार रहता है। तो अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो आप अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें। आप अगर चाहो तो जब भी एवरी टाइम जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हो, हर बार जितनी बार भी फेस को वॉश करते हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना मस्ट है, ठीक है? आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ना स्किन। तो आपको जितनी भी क्रीम आप लेते हो उसका दो तरीके बता रही हूँ मैं यूज करने के। आप मान लीजिए थोड़ी सी आप ऐसे कोल्ड क्रीम लेते हो जब भी आप फेस को वॉश करते हो, उसके बाद एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप ग्लिसरीन इसके अंदर मिक्स करोगे और अपने पूरे चेहरे पर हल्की मसाज कर लोगे और इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। और साथ ही साथ मैं मसाज करते ही आपको दिखाऊंगी अपने हाथ पर, मेरे हाथ पर कुछ भी इस वक्त लगा हुआ नहीं था और मैंने लगाया है कोल्ड क्रीम विद ग्लिसरीन, तो इसकी क्या शाइन स्किन पर आती है ये देखिए, कितनी ज्यादा स्किन शाइनी हो जाती है और ये चिपू चिपू नहीं लगता। आपने सिर्फ एक ड्रॉप मिक्स किया है एवरी टाइम जब भी आप लगाओगे। अब इसका जो सेकंड तरीका है इसको यूज करने का, जिस तरह मैं इसको यूज करती हूँ वो अब आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कोल्ड क्रीम के अंदर ग्लिसरीन को मैं ऐड कर लेती हूँ, इसको मिक्स करके रख लेती हूँ। अभी मेरी कोल्ड क्रीम में करीब 2 चम्मच के करीब क्रीम है, तो मैं इसमें 1 ये जो है इसकी कैप ग्लिसरीन बोतल की, इसको फुल भर लूंगी और इसके अंदर मैं मिक्स कर लूंगी। करीब 1 चम्मच ग्लिसरीन मैं इस क्रीम के अंदर ऐड करूंगी। 2 से 3 चम्मच क्रीम बाकी, करीब आधा कंटेनर अभी क्रीम बाकी है मेरी, तो आधे कंटेनर में आधी ये जो बोतल है इसमें आधी क्रीम है, तो मैंने एक ढक्कन भर के ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरह। मेरी क्रीम के अंदर पहले से ग्लिसरीन ऐड किया हुआ था मैंने, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने और ऐड कर दिया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन पर बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करता है, बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। लेकिन इसको ज़्यादा यूज करना नहीं होता, सिर्फ आपको 2 ड्रॉप के करीब ही क्रीम लेनी होगी और पूरे फेस पर लगाना है और फेस की चमक के लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। साथ ही ग्लोइंग स्किन के लिए एक टिप और देना चाहती हूँ आपको कि जब भी आप फेस को वॉश करते हो तो फेस वॉश करने के करीब आप 10 सेकंड के अंदर अंदर ही, मतलब फेस ड्राई होने से पहले ही आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो गीली स्किन पर, हल्की गीली रहे, तब आपकी जो क्रीम होगी, जो भी मॉइस्चराइजर होगा, आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा और आपकी स्किन को और ज्यादा हेल्दी बनाएगा। बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और इससे जरा भी स्किन पर ड्राइनेस नहीं रहती, कालापन नहीं रहता और स्किन पर शाइनी शाइन रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कभी भी इसको छोड़ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा इसका यूजफुल इफेक्ट आपकी स्किन पर आता है, इतना अच्छा इफेक्ट इसका आपकी स्किन पर आता है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।